नमस्ते। आज अपने हम स्टूडियो से एक ऐसा अहम विषय हम लेकर आपके बीच में आए हैं, वो है आपको बढ़ते हुए अपराध जो हमारे बिहार राज्य में एक क्रॉनिक विषय बन गया है, यानी लूट रॉबरी। प्रतिदिन शिकायतें मिल रही हैं कि अमुक कभी सारण जिले के कभी आपके एकमा थाना में आपको बैंक का लूट हो गया, कभी समाचार मिलता है कि हाजीपुर में सोना लूट हो गया, यानी कि आपको जो भी बैंक से संबंधित जो भी या लूटपाट की जो घटनाएं जो अपराधकर्मी जो कर रहे हैं खुलेआम आ कर के निकल जाते हैं। तो आज हमारे लोक स्मार्ट चैनल के मैंने इसके पूरा समीक्षा करके हमने एक अपने समीक्षा प्रतिवेदन जनहित में हम अपने स्टूडियो के माध्यम से हम आपके स्थानीय प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स तथा पूरे जनता को बताना चाहते हैं कि अगर कुछ पद्धति से अगर जनहित में अगर सभी हम आप और बैंक मिलकर काम करना शुरू करें तो हम बिल्कुल विश्वास करते हैं कि हमारा जो ये समीक्षात्मक जो ये सोच है ये निश्चित तौर पर इसमें आपको अपराधकर्मियों के द्वारा जो लूटपाट करने के जो उनकी आदतन हो गई है निश्चित रूप से वो आदतन पर उनका रोक लगेगा। सबसे पहला चलते हैं कि आज हमारे जो बैंक में जो डकैतियाँ हो जाती हैं, अचानक चार पांच अपराधकर्मी आते हैं या जिस संख्या में हो अचानक प्रवेश करते हैं और अंदर जा कर के गार्ड को कैप्चर करते हैं और जा कर के अपने असलहा या आर्म्स के बल पर कुछ ग्राहकों को दबोच करके और कमज़ोर मैनेजर या कैश बॉक्स या स्ट्रॉन्ग रूम पर कब्जा करके जितना क्षणिक समय योजना अनुसार वो लोग अपराध करके और सीधे आराम के साथ बगैर डर भय के निकल के भाग जाते हैं। नतीजन यही होता है कि अंत में जो हमारे जो पुलिस तंत्र के पास एकमात्र एक ही सूत्र बचता है वो सीसीटीवी कैमरा है। अगर सीसीटीवी कैमरा के कारण ही या ऐसा अपराधकर्मी भागते समय कुछ ऐसे एविडेंस छोड़ जाएं, यही दो सूत्र आज के तारीख में जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस पर चलती है या डिटेक्शन होता है। मेरे दोस्तों, मैं और सब्सक्राइबर, मेरे सुनने वाले सभी, हम थोड़ा सा इसे विषयांतर होकर के हमारा एक कोशिश है कि अगर कुछ व्यवस्थाएँ अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर बैंक वाले सुनते हों या हमारे विभाग यानी जो भी पुलिस विभाग के जो हमारे हेड या मुखिया बिहार के मुखिया या कोई भी विभाग सुनते हो या जनहित में सुनते हो, अगर इस तरह की अगर व्यवस्था अगर संरचना में परिवर्तन की कर दी जाती है, हम दावा करते हैं कि बैंक में बिल्कुल डकैती नहीं होगी और डकैत अपने मंसूबा पर उनकी आशाएँ आकांक्षाएँ उनका फेल होगा। हम शुरुआत करते हैं बैंक पर, जो बैंक की अपनी एक व्यवस्था है, जो बैंक ओपन जो होता है ये अंदर जाएं आप अंदर जाएंगे तो काउंटर बना होता है वहाँ पर, ये बैंक अपने कमर्शियल और प्रोफेशनल वे में सभी ग्राहकों को ओपन बुलाते हैं, ओपन बात करते हैं, यानी यहाँ कोई वहाँ रोक टोक नहीं है। वहाँ जो भी पुलिस व्यवस्था स्थानीय थाने की जो दो या तीन चार पाँच गृह रक्षकों या जिला बल के जो भी जो जो वहाँ पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, आप प्रायः पाएंगे कि आप बिल्कुल अंदर आराम से कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सभी के हाथ में मोबाइल रहता है, अपने मोबाइल पर अब केवल फेसबुक और आपको ये व्हाट्सएप गाना सुनने में मस्त रहते हैं, राइफल की व्यवस्था अव्यवस्था होती है। नतीजन कारण जो हो और इस पर हम ज़्यादा दूर जाना पसंद भी नहीं करते हैं, ये पुलिस व्यवस्था के अपना उनका अलग तंत्र है, पुलिस के देख रेख आपके संबंधित स्थानीय उनका अधिकारी करते हैं, लेकिन जो बातें पाई गई हैं हम आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। एक बैंक के रूपरेखा फिर अगेन रिपीट करते हैं, आप बैंक के सीढ़ी से अंदर जाते हैं, आपके मैनेजर का कमरा होता है, आपके कैशियर के शीशे के कमरा बने रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रूम जो बगल में होता है, एक गार्ड होता है, आप यही एक छोटी सी व्यवस्था है जिसमें लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। ये जो अपराधकर्मी होते हैं ये अपना योजनाबद्ध तरीका से आते हैं और उसका लाभ लेकर के इस लापरवाही का एक भय उत्पन्न करके अपना अपराध करके पैसा का लूटपाट करने में वो अपनी योजनाएं में सफल हो जाते हैं। सॉरी,
उसी प्रकार आप देखे होंगे कि जहाँ यह जहाँ सोना कांड हुआ, यानी जो भी व्यवस्था है, एक बिल्कुल एक बिल्डिंग के अंदर की व्यवस्था है, नतीजन क्या, चाहे सोना लूट हो चाहे बैंक लूट हो, यानी सभी लूट है। आज केवल हम अपने चैनल के माध्यम से हम केवल बताएंगे कि बैंक में या जो भी जो व्यवस्था है, LIC हो चाहे जो भी, जहाँ बिल्डिंग से जो बिजनेस या प्रोफेशन निर्गत हो, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। लुक स्मार्ट चैनल आपके सामने ओपन, आपको हम आपको एक संरचना के रूप में एक समीक्षा करके बताते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था की जाए या इस पर आवाज़ उठाई जाए तो निश्चित तौर पर अपराध में आपको कमी आएगी। सीधे हम दोस्तों बताते हैं आपको, बैंक या जो बिल्डिंग होता है वो सीधे एक नीचे एक सीढ़ी के पास एक 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 अलग से, यानी सीढ़ी के नीचे एक अलग से एक इंक्वायरी रूम खोला जाए, या इंक्वायरी विंडोज के साथ बैठा जाए, यानी जो भी बैंक में आते हैं या जो बैंक खाता खुलवाने वाले जाते हों, जो आपको नीचे यानी उस बिल्डिंग के नीचे एक ऑफिस बनाया जाए, बैंक वाले बनवाएंगे ताकि नीचे से ही आपके सभी बात करके फॉर्म संबंधित भी अगर उनको देना हो तो नीचे से सप्लाई किया जाए। उसके बाद ये लोग उसके बाद नतीजा तब ये लोग आप लोग सीढ़ी के माध्यम से ये लोग बैंक में जाए, तो निश्चित तौर पर जो भी अपराधकर्मी अगर आते हैं तो आपको वहाँ अगर नीचे आते हैं फॉर्म लेने के लिए आते हैं तो वहाँ ऐसी उनकी अचानक वो लोग बैंक के भीतर जा नहीं सकते हैं। जब फॉर्म के लेने एंगेज रहेंगे वहाँ संख्या काफ़ी होगी तो आपको अपराधकर्मियों का जो उनकी जो योजनाबद्ध निश्चय होता है उसमें ये लोग फेल होंगे। उसके साथ साथ जितने हमारे जो बैंक में जो हमारे होल्डर्स हैं, जो पास धारक हैं, यानी जो भी बैंक से रिलेटेड जो उनके कस्टमर हैं, आपको बैंक एक ऐसी व्यवस्था करे पासबुक के साथ एक ऐसा टोकन सिस्टम सभी कस्टमर को दें कि वो अगर बैंक में आते हैं तो सीधा नीचे जो उनका गार्ड होगा या हमारे या जिले पुलिस के बल का जो भी स्टाफ होगा वो बैंक के भीतर ना हो करके नीचे इंक्वायरी रूम के बगल में अगर बैठेंगे तो सबसे पहले उसको टोकन चेक करना होगा कि टोकन है, तब आप बैंक के ऊपर जा सकते, यानी कि टोकन यानी उसका कार्ड उसके पास है, बैंक संबंधित उसके पास ये होल्डर्स है, पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी अपराधकर्मी आपको इस प्रोसेस में आप पर एक साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास टोकन नहीं होगा। ये अगर टोकन होगा, अगर ये ऊपर अपराधकर्मी जाते हैं तो ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अरेस्ट होने का उनके चांसेस बने रहेगा और उसमें ऐसी गलती नहीं करेंगे। नतीजा कि इस जो अपराधकर्मी हमारे बैंक के भीतर घुस जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन ब्लॉक हो जाएंगे। नीचे जो गार्ड जो आप बैंक में देखते होंगे कि गार्ड जो बैंक वाले होते हैं जिनका काम है कि कंधे पर बंदूक रख करके कैश स्ट्रॉन्ग से लेकर नीचे ऊपर तक जो पेट्रोलिंग करना है, दोस्तों बड़ी दुखद स्थिति ये बात है कि जो गार्ड होते हैं ये बंदूक को स्ट्रॉन्ग रूम में रख करके ये खुद फॉर्म भरने लगते हैं और आपके कस्टमरों के साथ आपको सहयोग करते हैं, यानी एक बैंक का क्लर्क का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। बैंक अधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि बैंक गार्ड का जो काम है पेट्रोलिंग करें और नीचे अंदर जाएं बाहर जाएं उसमें चुस्ती बंधी रहेगी ताकि उसके सजगता से अगर कोई घटना घटती है तो अपने को वो संभाल सकते हैं। यानी पहले बिल्कुल स्पष्ट कि बैंक में जो भी कार्ड धारक हैं उनको अलग से टोकन इशू किया जाए और एक इंक्वायरी सिस्टम यानी फॉर्म्स या जो भी बैंक संबंधित बात पूछने की बात जो आती है तो नीचे काउंटर जो बैंक के सीधे नीचे एक अलग कमरे टाइम की व्यवस्था हो वहाँ फोर्स की व्यवस्था कर दी जाए। तो दोस्तों ये प्राइमरी फेसी और प्रिमिलरी के आधार पर निश्चित तौर पर अपराधकर्मी हमारे इस बैंक में यह घुस नहीं पाएंगे क्योंकि बैंक वही जाएंगे जिनके पास टोकन होगा और जिनके पास नीचे से फॉर्म फिल भी लेके जाते हैं तो वहाँ CCTV कैमरा से उसका पूरा उसका आपको क्लोजअप भी आ जाएगा। अगर इस पद्धति से अगर हम लोग चलते हैं
तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से बैंकों की संरचना कर दी जाती है या जहां भी जो LIC है जो भी हो इंक्वायरी का रूम का सिस्टम बिल्कुल अलग कर दिया जाए, वहां भीड़ से भी बैंक में कमी आएगी और नीचे आपका डिस्पोजल भी होगा। इंक्वायरी ऑफिसर जो उनके बैंक संबंधित हो उनको बताएंगे और बिल्कुल सारे जो भी वहाँ फोर्स की व्यवस्था रहेगी। हम दावा करते हैं कि इस प्रोसेस से चलने पर हमारे बैंक में आपको क्राइम पर ब्लॉक होगा, अपराध कर्मियों आप ऊपर नहीं जा सकते हैं और निश्चित तौर पर इस पर कमी आएगी। यही छोटी सी अगर बात आपको हम बताने के लिए अपने चैनल से केवल आप बैंक को कैसे रोका जाए अगर इस पद्धति को अपनाया जाए तो हम दावा करते हैं कि आपको बैंक में लूट की कमी आएगी, सोना के लूट में कमी आएगी। यानी अंतिम फिर रिपीटिशन दोबारा हम अंतिम करते हैं, आपको बैंक के नीचे या जो भी ऑफिस जहां आपको सोना का कारोबार या जहाँ सोना जमा होता है या LIC जो भी हो, इंक्वायरी जो बैंक के ऊपर होता है उसको कृपया बैंक का जो संस्था उसको हटा करके ये सीधे धरातल या नीचे बिल्डिंग पर अलग व्यवस्था की जाए, काउंटर खोल दिया जाए, फॉर्म्स कीजी रखा जाए। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखे होंगे कि आपको रिजर्वेशन फॉर्म भरने के लिए अलग काउंटर होता है, इंक्वायरी अलग होता है, इस तरह से व्यवस्था एक बैंक में कर दी जाए। और जो भी अगर जो कार्ड धारक होंगे ये पासबुक वाले होंगे एक अलग से टोकन दिया जाए, वो टोकन का चेकिंग हमारे जो स्थानीय वहाँ जो पुलिस वाले होंगे या बैंक के जो गार्ड होगा चेक करेगा सही है, वही आदमी बैंक के ऊपर जाएंगे और सारा काम करके नीचे चले आएंगे। वहाँ का CCTV कैमरा बिल्कुल आपको स्ट्रॉन्ग के रूप में लगा रहेगा। अगर इस पद्धति से हम चलते हैं निश्चित तौर पर हमारे बैंक की क्राइम में कमी आएगी। आज दोस्तों आज इतने ही के साथ फिर अगले बार आपको फिर हम राहजनी को कैसे रोका जाए हम आपको बताते चलते हैं। आज स्टूडियो से केवल बैंक से संबंधित कैसे अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है, अगर इस पर हमारे स्थानीय प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स या बैंक के अगर कर्मचारी इस पर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आएगी। इसी के साथ फिर अगले क्राइम अपराध पर मिलते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।